नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आखिरकार ब्रिटेन के लोगों ने वो फैसला सुना ही दिया जिसका हफ्तों से इंतजार था। 23 जून को हुए ऐतिहासिक रायशुमारी में लोगों ने जो फैसला सुनाया उसे ब्रिटेन के 100 साल के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले की, जिसे लोकप्रिय शब्दों में ब्रेग्जिट कहा जा रहा है। ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। नतीजा क्या आया? ब्रिटेन समेत दुनिया भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यूरोपियन यूनियन की संसद में इस पर विशेष चर्चा हुई। कारोबार जगत टूट गया, शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया और दूरगामी आर्थिक नतीजों को लेकर कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने निवेशकों को आगाह किया। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि इसका भारत पर क्या असर होगा और यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन में क्या बदलाव आएगा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हाँ, तो ब्रिटेन आखिरकार यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। ईयू में रहने या न रहने के सवाल पर ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह का नतीजा आ गया है। करीब 52% मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में मुहर लगाई है। जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने के फैसले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने पद से हटने की घोषणा भी कर दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की इस भावनात्मक अपील के साथ ही ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का 43 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। गुरुवार को ईयू में रहने या न रहने पर यहां वोट डाले गए थे। ईयू के साथ रहने के पक्षधर लोगों ने इसके लिए रिमेन अभियान चलाया, जबकि ईयू से बाहर हो जाने के लिए लीव अभियान चलाया गया था। नतीजों को देखकर साफ लग रहा है कि दोनों ही अभियानों ने लोगों पर कमोबेश बराबर असर किया, लेकिन कांटे की टक्कर के बाद लीव का पलड़ा भारी रहा और बहुमत ईयू से अलग होने के पक्ष में रहा। इस ऐतिहासिक जनमत में करीब 3,35,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रिमेन अभियान के पक्ष में 1,61,41,241 वोट पड़े, जबकि लीव के पक्ष में इससे ज्यादा यानी 1,74,10,742 वोट पड़े। इस तरह जनमत में कुल 72.2% लोगों ने हिस्सा लिया। ईयू में रहने के पक्ष में कुल 48.1% लोग थे, जबकि ईयू से बाहर जाने के पक्ष में कुल 51.9% लोग रहे। इस जनमत में यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों ने हिस्सा लिया, ये हैं ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। नतीजों के बाद ये साफ हो गया कि स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ईयू में रहने के पक्ष में थे। देशवार नतीजों पर गौर करें तो इंग्लैंड में ईयू में रहने के पक्ष में कुल 46.8% लोग थे, जबकि ईयू से बाहर जाने के पक्ष में 53.2% लोग थे। स्कॉटलैंड में ईयू में रहने के पक्ष में कुल 62% लोग थे, जबकि इसके विरोध में महज 38% ही लोग थे। वेल्स में 48.3% लोगों ने रिमेन के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि लीव के पक्ष में 51.7% लोग थे। नॉर्दर्न आयरलैंड में 55.7% लोग थे, 44.3% लोग ही ईयू से बाहर जाने के पक्ष में थे। रेफरेंडम से पहले स्थानीय ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान जताया गया था, जो सही साबित हुआ। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि 2015 के स्थानीय आम चुनाव में करीब 66% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि जनमत के लिए इससे कहीं ज्यादा 72% से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यानी लोगों ने जनमत में आम चुनावों से भी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। प्रधानमंत्री कैमरन भी ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने के पक्ष में थे। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की। उनकी अपील का असर लंदन में जरूर दिखा, जहां 60% लोगों ने ईयू के साथ रहने को वोट डाला। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर इंग्लैंड, वेल्स और मिडलैंड्स में ज्यादातर मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होना पसंद किया, जबकि लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के ज्यादातर मतदाता यूरोपीय संघ के साथ रहना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसकी प्रक्रिया लंबी है। फैसले के बाद आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन से अलग होना आसान नहीं है और इसमें लगभग 2 साल का वक्त और लगेगा। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की राजनीति पर भी इसके दूरगामी असर पड़ने की बात की जा रही है। सौ
साल 2015 में जब डेविड कैमरन ने ब्रिटेन की कमान संभाली तो उन्होंने उसी वक्त वादा किया था कि यूरोपीय यूनियन में बने रहने या फिर अलग होने को लेकर वो देश में रायशुमारी कराएंगे। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के बने रहने या अलग होने को लेकर भी उन्होंने रायशुमारी का वादा किया था और 2014 में इसे पूरा भी किया। स्कॉटलैंड की जनता ने ब्रिटेन के साथ रहने का विकल्प चुना, लेकिन यूरोपीय यूनियन के मामले में जनता ने इस बार कैमरन की इच्छा के खिलाफ वोट किया। अंग्रेजों ने तय किया कि वो यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहते हैं। जैसे ही नतीजा सामने आया, डेविड कैमरन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. ब्रिटेन को 3 महीने बाद अब नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। सत्ताधारी पार्टी इसके लिए मुफीद नेता का चुनाव करेगी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक उथल-पुथल भी तेज हो गई है। नियम के मुताबिक जब तक यूरोपीय यूनियन को आधिकारिक तौर पर नोटिस नहीं भेजा जाता, तब तक ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। नोटिस भेजने के बाद भी जटिल प्रक्रिया के तहत 2 साल का वक्त लग सकता है। ब्रिटेन में विपक्षी पार्टियां अब ये दबाव बना रही हैं कि जल्द से जल्द डेविड कैमरन को इस बाबत नोटिस जारी करना चाहिए। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की संसद में भी कई नेता इसी तरह की बातें कर रहे हैं। We have the will of the British people on the table, and it's now the question to implement it. And the most important thing is that we do this very quickly. That is our main message. We need to avoid a long period of uncertainty, and the European continent cannot be occupied by a Tory internal battle, who will be the next leader of the Tory party and the next Prime Minister of Great Britain. That is what is on the table, and that is what we have to do. यूरोपियन यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करना होगा। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी सदस्य देश को अलग होने की सूचना यूरोपीय संघ को देनी होगी, जिसके बाद यूनियन के सभी सदस्य देश बातचीत करके किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचेंगे और तब जाकर ही प्रक्रिया पूरी होगी। यानी ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों की साझी सहमति तक लाना होगा। असल में बीते 5 दशकों में तैयार हुए यूरोपियन यूनियन समझौते के 80,000 पेजों में संशोधन और जोड़ घटाव का काम आसान नहीं है। किसी भी देश के अलग होने या जुड़ने के बाद इस दस्तावेज में बदलाव करना होता है, जिस पर यूरोपियन यूनियन की संसद अपनी मुहर लगाती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972 को रद्द करना होगा। इस कानून के तहत यूरोपीय संघ के कई कानूनों को ब्रिटेन में वरीयता हासिल है। दिलचस्प ये है कि ब्रिटेन की संसद में 650 सांसदों में से ज्यादातर यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहने के पक्षधर हैं। ऐसे में कानूनी बदलाव में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। डेविड कैमरन ने ये साफ कर दिया है कि नए प्रधानमंत्री की अगुवाई में ही अनुच्छेद 50 लागू होगा। A negotiation with the European Union will need to begin under a new prime minister. And I think it's right that this new prime minister takes the decision about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the EU. I will attend the European Council next week to explain the decision the British people have taken and my own decision. अगर 3 महीने बाद नया प्रधानमंत्री कमान संभालता है और उसके बाद लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 लागू करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो भी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होने में कम से कम 2019 तक का वक्त लग जाएगा। अगर वार्ता में देरी हुई तो मामला और लंबा खिंच सकता है। लिस्बन समझौते के मुताबिक एक बार सदस्यता खत्म होने के बाद अगर कोई देश यूरोपीय संघ में वापस आना चाहता है तो उसके लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। ब्रिटेन और यूरोप की राजनीति में इसे हाल ही की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है, तो वहीं कारोबार जगत में इससे हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं इससे क्या क्या असर पड़ा। ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया तो दुनिया भर के बाजार में भूचाल आ गया। यूरोपीय संघ से अलग होने वालों का पलड़ा भारी होने की खबर आते ही
शेयर बाजार लुढ़कने लगा। ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड बीते 31 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 950 अंकों की गिरावट के साथ खुला और उसके बाद भी गिरावट जारी रही। निफ्टी में भी 3% की गिरावट दिखी। जापान का इंडेक्स निकाई 7.5% लुढ़क गया तो वहीं सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज 2.5% टूटा। भारतीय निवेशकों में इसके बाद चिंता देखी जा रही है। द फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल स्लो डाउन एंड पीपल विल देन थिंक बिकॉज इट्स अ बिग थिंग द डॉलर विल जंप अप सो अगेन देयर विल बी इश्यू ऑफ हैंडलिंग वॉलेटिलिटी इन करेंसी। यही हालत दुनिया भर के शेयर बाजारों की है। स्टॉक बाजार में निवेशक अगले कुछ दिन सतर्क रहने की बात कर रहे हैं। Overall, of course, the market is taking this very, very negatively, if only for the fact that we've once again, in so many years, we face slammed ourselves into yet another crisis. Markets were very, very bullish yesterday. We saw sterling trade up to almost 150 versus the dollar, a 6-month high. And now, gosh, what a difference a day makes. It's shell shock, I think, is what we're dealing with right now. Die Märkte werden sich heute massiv austoben. Das ist auch ganz gut so, dass heute Freitag ist, Black Friday, Freitag der 13. sozusagen. Und dann hat man das Wochenende, um nochmal drüber nachzudenken, was da hier passiert ist. Aber klar ist, wir haben jetzt sicherlich ein politisches Risiko. Wir wissen nicht, inwiefern jetzt eine Eurosklerose, die Zerfallserscheinungen weitergehen werden. Market mein giravat ko dekhte hue kai deshon mein aarthik neetiyon ko ankul banane ki koshish shuru ho gayi. Australia ke pradhanmantri ne स्टॉक मार्केट में गिरावट के लिए निवेशकों को तैयार रहने के लिए कहा। However, we've seen already large falls on stock markets, and there will be a degree of uncertainty for some time. 世界経済の成長の確保とか為替金融等々安定が極めて重要だと考えておりますが、とりわけ足元の為替の市場では極めて神経質な動きが見られているように思っております。इन सब के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वो आर्थिक जगत पर पड़ने वाले असर से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अलग होने का फैसला तो हो चुका है, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे भी सामने नजर आने वाले हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में इसके असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इसके क्या परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि ब्रिटेन से अलग होने से यूरोप पर इसका क्या असर पड़ेगा। ब्रिटेन में पिछले कई साल से यूरोपियन यूनियन से अलग होने को लेकर बातचीत चल रही थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर ब्रिटानी जनता यूरोपियन यूनियन से ऐतराज जताती रही। ब्रिटेन वैसे भी यूरोजोन में नहीं है और ब्रिटेन अपनी अलग मुद्रा पाउंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रवासियों से जुड़े मुद्दे पर इन दिनों तेज बहस थी। ब्रिटेन की जनता को लगता है कि प्रवासियों के चलते उनकी अस्मिता कमजोर हो रही है और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का हिस्सा बंट जा रहा है। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद कई बदलाव देखे जाएंगे। ब्रिटेन में व्यापार की लागत बढ़ जाएगी, यूरोपियन सप्लाई चेन में ब्रिटेन को मिलने वाली रियायत कम हो जाएगी और हर देश में अलग से शुल्क अदा करना पड़ेगा। ब्रिटेन में प्रवासियों को लेकर नियम कड़े हो सकते हैं। अनुमान के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के करीब 25 लाख कुशल कामगार इस वक्त ब्रिटेन में काम करते हैं। बाहरी लोगों के लिए वहां काम करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में होने वाले विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की मार्फत ही आता है। ऐसे में ब्रिटेन की यूरोपीय संघ के गेटवे वाली छवि खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन इसके बाद खुद की व्यापार नीति बनाने के लिए आजाद होगा। यूरोपियन यूनियन के बजट में ब्रिटेन सालाना करीब 7 अरब यूरो की मदद करता है। अब इस भुगतान से ब्रिटेन बच जाएगा और इस पैसे को सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं में खर्च करने के वो काबिल हो जाएगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन में भी इसके बाद काफी बदलाव आएंगे। यूनियन को हर साल 135 अरब यूरो के बजट में 7 अरब की कमी खलेगी, जिसका भुगतान ब्रिटेन करता रहा है। यूरोपियन यूनियन में व्यापार का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से संचालित होता है। ऐसे में यूनियन का व्यापार संतुलन कमजोर होगा। अगर ब्रिटेन में माइग्रेशन पॉलिसी सख्त होती है तो यूरोप में मौजूद प्रवासियों का भार सदस्य देशों पर पड़ेगा।
यूरोपियन यूनियन के लोगों को ब्रिटेन में कामकाज में भी कठिनाई आ सकती है। ब्रिटेन में मौजूद यूरोप के कॉरपोरेट हाउसों को फिर से नई जगह बनानी होगी और इसकी मार्केटिंग का बोझ भी यूनियन की जेब पर पड़ेगा। यही नहीं, जब तक ब्रिटेन पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं हो जाता तब तक बाजार में अनिश्चितता भी बरकरार रहेगी और इसका असर यूरोपियन यूनियन पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन के बाकी देश एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। Over the past 2 days, I have spoken to all the EU leaders, I mean prime ministers and presidents, as well as heads of the EU institutions, about the possibility of a Brexit. Today, on behalf of the 27 leaders, I can say that we are determined to keep our unity as 27. For all of us, the Union is the framework for our common future. I would also like to reassure you that there will be no legal vacuum. जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों पर इसके बाद यूनियन के खर्च का भार आ जाएगा, जबकि प्रवासियों के मुद्दे पर बाकी देश यूरोपियन यूनियन के नियम को सख्त बनाने के लिए दबाव बना सकते हैं। यही नहीं, यूरोप के 3 देश फिलहाल यूनियन की सदस्यता लेना चाह रहे हैं, लिहाजा उनके लिए रास्ता खुल सकता है क्योंकि ब्रिटेन इस सदस्यता के खिलाफ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाने के फैसले से दुनिया में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत में भी इस पर कई तरह की राय सामने आई है। देखते हैं ईयू और यूके के अलग होने से भारत पर इसका कितना और क्या असर पड़ेगा। ईयू से अलग होकर ब्रिटेन ने अपना भविष्य तय कर लिया है, लेकिन उसका ये फैसला कई देशों के साथ उसके रिश्ते पर भी असर डालेगा। भारत के लिए भी ये लाजमी मुद्दा है। भारत ब्रिटेन को अपने लिए यूरोप का द्वार मानता आया है। यही वजह है कि ब्रिटेन में भारत की कई बड़ी कंपनियों का सेटअप है। ब्रिटेन के लिए भारत इस वक्त FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय कंपनियां भी EU के फ्री मार्केट सिस्टम के तहत ब्रिटेन से बाकी यूरोपीय देशों में आराम से कारोबार करती आई हैं। लेकिन ब्रिटेन के अलग होने से भारतीय कंपनियों को अब वैसी सहूलियतें नहीं रहेंगी, जिसका असर भारतीय कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत का पूरे EU में अब तक व्यापार ब्रिटेन तक ही ज्यादा सीमित रहा है। मसलन 2015-16 में भारत का ब्रिटेन को छोड़ बाकी EU के साथ व्यापार अधिवेश यानी ट्रेड सरप्लस महज $60 करोड़ था, जबकि अकेले ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड सरप्लस $360 करोड़ रहा। EU से अलग हो जाने के बाद भारत को ब्रिटेन और EU के बाकी देशों से अलग अलग व्यापारिक संबंध मजबूत करने होंगे। ये भारत के लिए नई चुनौती होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच इस वक्त $1400 करोड़ का सालाना व्यापार होता है। ब्रिटेन के इस फैसले के बाद यूरो मुद्रा के कमजोर होने की भी आशंका जताई जा रही है। अगर यूरो कमजोर होता है तो डॉलर मजबूत होगा, जिससे इसका असर भारतीय मुद्रा रुपए पर भी पड़ सकता है। अचानक डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है और क्रूड ऑयल खरीदने की भारत की लागत बढ़ सकती है। यही वजह है कि ब्रिटेन में जनमत संग्रह के फैसले का विपरीत असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा और बाजार और रुपए दोनों में गिरावट दर्ज की गई। धंधा करने के लिए वो एक एंट्री पॉइंट हुआ करता था, इस वजह से वहाँ पर सबसे पहले वहाँ स्थापित करते क्योंकि भाषा का हमको फायदा था और करीब 1.5 लाख वहाँ पे तो वर्कर हैं हमारे। अगर आप देखें टाटा ने वहाँ पर कोरस फैक्ट्री खरीदी हुई है, जैगवार गाड़ी बनती है, तो पूरा इंटीग्रेशन है। उसका मेरे ख्याल से मुख्य प्रभाव ये पड़ेगा कि जब अगर यूरोप से निकल रहा है ब्रिटेन, तो कई सारी चीज़ों को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। हमारे लोग जहाँ पे काम करते हैं उनको भी ना नए तरीके से वर्क परमिट वगैरह लेना पड़ेगा। तो स्थिति ये है कि पूरा मुद्दा खुल जाता है, जो कि पहले वाली स्थिति नहीं थी। हालांकि भारत पहले से ही जनमत पर कड़ी नजर बनाए हुए था और किसी भी परिस्थिति के मुताबिक पहले से ही तैयारी के दावे भी किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के मुताबिक वो आर्थिक जगत पर पड़ने वाले असर से वाकिफ हैं और देश ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार है। सारे चैलेंजेस में एक अपॉर्चुनिटी होते हैं, हर एक चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होता है। और ये भी कुछ लोगों का कहना है, कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि शायद जो ऑयल प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ऑयल प्राइसेस जब कम होते हैं तो उससे मतलब हमारे इकोनॉमी को भी कई सुविधाएं मिलते हैं, लेकिन सिचुएशन में हमको प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के साथ डील करना है। एंड वी विल टेक ए कंसिडर्ड, गवर्नमेंट विल टेक ए कंसिडर्ड व्यू एंड इंडिया विल विदस्टैंड दिस सिचुएशन। वी आर प्रिपेयर्ड टू डील विथ ऑल द इवेंचुअलिटीज।
चुनौतियों के अलावा ब्रिटेन का जनमत भारत के लिए कई उम्मीदें भी लेकर आया। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने पर कई सेक्टरों में भारत का लाभ हो सकता है। इसमें सेवा और आईटी क्षेत्र शामिल हैं। कि इसमें कई सेक्टर्स में इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, वो इन कंट्रीज रीजन में एंटर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें सर्विसेज में देखनी पड़े होगी, क्योंकि सर्विसेज में 50% ऑफ द सर्विसेज अभी यूरोपियन यूनियन एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अगर रिस्ट्रिक्शन होता है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल पे, और ब्रिटेन और यूरोप यू दोनों अगर इंडियन के लिए अपना सेक्टर ओपन करते हैं, तो हम सर्विसेज सेक्टर और ट्रेड सेक्टर दोनों में बेनिफिटेड हो सकते हैं। सो यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद भारत के छात्रों के लिए पढ़ाई के अवसर और बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन पर यूरोपीय छात्रों के लिए कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको बताते हैं कि दरअसल यूरोपियन यूनियन है क्या, कब ये बना और कैसे धीरे धीरे इसका जो है वो विस्तार हुआ। यूरोपियन यूनियन यूरोप के 28 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसमें प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसकी शुरुआत 1957 में रोम की संधि के जरिए यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुई। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और इसकी नीतियों में बहुत से बदलाव भी शामिल किए गए। 1993 में मास्टरहित संधि के जरिए इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गई। दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौता हुआ, जिसके जरिए इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरू की गई। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है और इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं। संघ के सभी सदस्य देश एक तरह की व्यापार, मत्स्य, क्षेत्रीय विकास नीति पर अमल करते हैं। 1999 में यूरोपीय संघ ने साझी मुद्रा यूरो की शुरुआत की, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया। संघ ने साझी विदेश सुरक्षा और न्याय नीति की भी घोषणा की। सदस्य राष्ट्रों के बीच श्लेगन संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण भी खत्म कर दिया गया। यूरोपीय संघ में अब तक 28 देश थे। ग्रेट ब्रिटेन के निकलने के बाद अब 27 बच गए हैं। हालांकि इस वक्त 3 और देश आधिकारिक तौर पर इसकी सदस्यता का इंतजार कर रहे हैं। नव विक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। We'll be right back.